रोल आउट द टिश्यू इफ प्रमोशन इज एन इश्यू, लगता है आजकल के स्टार्स का यही फंडा है. जस्ट क्राई टियरफुल बकेट्स एंड देन फिल अप देयर पॉकेट्स एंड टू दिस इमोशनल ड्रामा वी जस्ट से कट इट. आमिर खान को आजकल सोशल मीडिया पर क्राई फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है क्योंकि आमिर यूज करते हैं अपने टियर ग्लैंड्स टू प्रमोट हिज मूवी ब्रांड्स. हाल ही में जब सलमान की फिल्म रिलीज हुई तब आमिर एक बड़ा सा तौलिया लेकर अपनी आंखें पोछते पोछते स्क्रीनिंग के बाहर आए और उन्होंने कहा, बड़ी जज्बाती फिल्म है. कम ऑन आमिर, कोई थिएटर के बाहर आकर क्यों रोएगा? वी से जस्ट कट इट. कंगना रनौत भी इस क्राई गेम में इन्वॉल्व हैं. उन्होंने कहा कि फिल्म कट्टी बट्टी देखते वक्त उन्हें बहुत रोना आया. कंगना इज नोन टू बी टफ एज स्टील. फिल्म में बिंदास, तनु और क्वीन का रोल करने के बाद कंगना तो कोई भी इमोशन हैंडल कर सकती हैं, पर उन्होंने अपनी आंसुओं की सप्लाई को कंट्रोल नहीं किया. आलिया ने भी जब अपनी फिल्म हाईवे का ट्रेलर देखकर अपनी आंखें नम कर ली. इनफैक्ट इमोशनल होकर उन्होंने डायरेक्टर इम्तियाज अली को हग किया. आलिया, स्टॉप एक्टिंग ऑफ कैमरा एंड जस्ट कट इट यार. रोने धोने से ही फिल्म चलेगी, ये है आजकल फिल्म स्टार्स का नोशन. एंड फॉर सच एन एटीट्यूड ऑल वी कैन से इज जस्ट कट इट यार. ये स्टार्स कभी खुद रोते हैं तो कभी ऑडियंस को रुलाते हैं और इसी तरह ढेरों करोड़ कमाते हैं. वेल, बंद करो ये क्रोकोडाइल टीयर्स. आई से जस्ट कट इट.